यही है? अरे हाथ में दिया? अरे हाँ, अरे बाप मर गया ना, मगर तू फिकर नहीं करना, मैं है ना। अरे इतने सारों को मैं पाल रहा हूं तो तेरे पर रोटी डाल दूंगा। ये ले, ले रोटी ले। अरे क्या हुआ, गुजरी जाइए। ये ले, ले ले। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। मनीषा ताई, शंकर भाऊ, मैं आपको टेम्पो नहीं दे सकता, मुझे माफ करा। असो नका ना बोलो अप्पा, अगर आप हमें टेम्पो नहीं देंगे तो हमारी सब्जियां, हमारे फल हम मंडी तक कैसे लेके जाएंगे? सब यही सड़ जाएंगे। भारी नुकसान हो जाएगा अप्पा, बर्बाद हो जाएंगे अप्पा हम। जानता हूँ शंकर भाई, क्या कर सकता हूँ, मेरे दोनों ड्राइवर कोरोना से 14 दिन के क्वारंटाइन में भर्ती है, अब कौन चलाएगा टेम्पो? चल मनीषा, अपना नसीबत खराब आए। नसीब और किस्मत इंसान खुद बनाता है शंकर। अप्पा, तू तेरा टेम्पो मेरे को देगा? तू क्या करेगी टेम्पो? मैं चला कर लेके जाएगी मुंबई। तू मजाक क्यों कर रही है? अरे नहीं, मला ये चलवाला, और मेरे पास लाइसेंस भी है अप्पा। मेरे बाबा ने मुझे टेम्पो, ट्रैक्टर सब चलाना सिखाया है। मैं अपनी सब्जियां लेके जाएगी, तू बोल देगा? देख तुझे ताई बोलता हूँ, तेरा ही टेम्पो है, लेके जा। शंकर भाऊ, तुमच्या भाई को ले भवानी है भवानी। ये अब इसे क्या हो गया? अभी क्या करें? फिलहाल तो किसी की मदद लेकर हाईवे तक पहुंच जाते, किसी मैकेनिक को बुलवाकर ठीक करवा लेंगे। चलो चलो। भाऊ, वो हमारा टेम्पो खराब हो गया है, आगे हाईवे तक छोड़ देंगे। बैठ जाओ। चल 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 चल। चल डॉक्टर के पास जाना। चलो चलो। अरे रुको साहब, हमें अंदर जाने दीजिए, हमारे बच्चे की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर से मिलने दीजिए। आप लोग वेट कीजिए साहब, मैं यहीं रुकता हूँ साहब। प्लीज आप वेट कीजिए साहब। साहब साहब प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप बच्चे को यहाँ लेटाइए, मैं देखता हूँ बेंच पे। जी I'm sorry, she's dead. ये मर चुकी है। अंजलि उठ गा।
अंजलि उठ, ए अंजलि उठ, ए अंजलि उठ रे, ए अंजलि तुम्ही घाबरू ना, मला माहित आहे की इस वक्त ये सब पूछना सही नहीं है, फिर भी आप हमें बताइए कि आपने किसी का चेहरा देखा था? उन्होंने मास्क पहन रखा था। और आप गाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो कुछ स्टिकर जैसा था गाड़ी के पीछे, वो आंख जैसे जैसे कुछ झांक रहा हो, ठीक से याद नहीं आ रहा। गाड़ी का रंग तो याद होगा। हाँ, सफेद रंग की गाड़ी थी, पर नंबर नहीं देख पाया। ले, ऐसे कैसे पकड़ेंगे उनको? बोटेड फोन है, तो संभाल लेंगे। जी सर। जी। देखिए, इनका मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। तुम्हें का काजी करो ना का? हमशी लेडी कांस्टेबल इसके साथ जाएगी। संजय बोला। मैंने अपने फोन में आपके बचपन की डीपी लगाई है। क्यों? कितने क्यूट दिख रहे हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला बेबी तुम्हारे जैसा दिखे, तुम क्यूट और प्यारा सा। अच्छा, कोई इम्पोर्टेंट कॉल है? तुझ्यापेक्षा काही इम्पॉर्टंट नाही। आणि आता मी माझ्या बायकोची आणि होणाऱ्या मुलाची सेवा करतो। मीटिंग्स कॅन्सल। हो, आय नो काम महत्वाचं आहे, पण आता लॉकडाऊन आहे की नाही, सो तसंही लॉकडाऊनमध्ये बाहेर पडता येणार नाही आहे। किती नाही, मित्राकडे तर नाहीच नाही। बरं, एक मला फोन येतो, मला फोन ठेवायला लागेल। अँड नो मीन्स नो, यू आर नॉट गोईंग। हॅलो जी, जी हम पहुंचते हैं। बरे मैम, चलो, नासिक मुंबई हाईवे पे एक लाश मिली है। बागमारे, ये यहां से कोई अपना आदमी गुजरा था? नहीं मैम, कोई नहीं गया था। ये बारिश की वजह से यहाँ की मिट्टी गीली हो गई है और ये गीली मिट्टी पर सारे निशान पड़ चुके हैं। मैम, मैम ये फोन मिला, फोन तो लॉक्ड है लेकिन नोटिफिकेशन से पता चल रहा है 23 मिस कॉल। उठा। कौन बोल रहा है? मैं गौतम पवार, पॉलिटिशियन संजय मंगर का पीएम। पैसा हिसाब से मेरी बात हुई थी संजय साहब के फोन से और इन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। और ये बाहर जो भीड़ लगी है वो? ये मैडम सब संजय साहब के सपोर्टर्स। लॉकडाउन में भीड़ जमा करने की जरूरत क्या थी? मैडम, इन लोगों को मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जितने भी लोग बाहर खड़े हैं ना, ये सब संजय साहब को देवता की तरह पूछते हैं। बाहर जरा सांगा सगळ्यांना, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग पालना फर्ज है हमारा। आणि वो थोड़ा शांतपणे सांगा, प्रकरण नाजूक आहे। यस सर। शिरके, क्या वस्तु दाखवा त्यांना? ये चीजें पहचानते हैं? जी मैडम, ये तो सब संजय साहब के ही। जा तुम। ये संजय मानकर कब से मिसिंग है? कल शाम से। संजय मानकर की फैमिली के बारे में बताइए कुछ। मैडम, संजय साहब के छोटे भाई हैं, वो पढ़ाई के लिए लंदन में हैं। और संजय साहब अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ यहाँ कसारा वाले घर में रहते हैं। वही उनका इलाका भी है और वो वहाँ के बहुत मशहूर नेता। तो फिर उनके दुश्मन भी काफी होंगे। हाँ मैडम, वो जो नेता है ना बाला जोशी, वो उनसे बहुत खुन्नस रखता है। खुन्नस? अरे साहब, मी का खुन्नस ठेवू त्याच्यावर? ये जो ये सब लोग है ना, वही खुन्नस रखते थे इसके ऊपर। क्योंकि ये संजय मानकर जो है नेता की खाल में भेड़िया था, क्रिमिनल था। आपने तो देखा ही होगा, जब से ये संजय मानकर चुन के आया है, आपके करप्शन रेट में, क्राइम रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है।
इसलिए जब भी ये मुझे खबर पता चली मुझे हैरानी नहीं हुई। वो क्यों? पाप का घड़ा इतना भर गया कि फूटना ही। जिस रात संजय मानकर की मौत हुई आप कहाँ थे? और कहाँ रहूंगा, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही था। ये डॉक्टर साहब कहिए आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? ऑफिसर ऐसा लगता है कि इसके गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है और एक ही बार में इसका गर्दन कटकर झुक गया है। इसका मतलब है मौत वार करने के बाद ही हो गई थी और बाद में सर पत्थर से कुचला गया। जी ऐसा ही हुआ। गौतम तुम कुछ राज की बात बता रहे थे, बोलो। मैडम विराज के बाद जानते तो सभी, बस कोई बोलना नहीं चाहता। पता है संजय साहब जब 15 साल के थे ना तब उनके बाबा जगन्नाथ साहब की चप्पल मरम्मत करने की दुकान थी बाजार में। उन दिनों हमारे गांव में जात पात की राजनीति अपने पूरे जोरों पर थी। एक नेता होते थे विश्वनाथ जोशी, अपने बाला जोशी के पिताजी। उन्होंने हमारे लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ था। सरकारी नियम होने के बावजूद भी हमारे लोगों को ये ऋण समिति और सहकारी बैंकों से अपने खेती के लिए लोन मिलना मुश्किल हो गया था। इसी बात की शिकायत जगन्नाथ साहब ने जिला परिषद में की थी। माफ करना भाव, मुझे परवाह नहीं है कोई अंजाम की, ना तो शिकायत वापस करने की गुंजाइश। और हाँ, मेहरबानी करके हमारे अवकाश की बात न करें। संजय साहब 3 साल रिमांड होम में रहे, जब वो वापस आए तो हमारे लोगों ने उन्हें अपना लीडर बना दिया और वो हमारे रॉबिनहुड बन गए। बस वहीं से जोशी खानदान के पतन की शुरुआत हुई। ठाकुर मानकर के इसकी फाइल आना। देखिए हम आपकी हालत समझ सकते हैं लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके पति संजय मानकर जी को किसने मारा। आपको किसी को शक? सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतने अच्छे इंसान को कोई कैसे मार सकता है। सो मिस्टर गौतम, संजय मानकर का कोई फ्रेंड सर्कल या फिर करीबी दोस्त जिनके यहाँ वो अकेले जाना पसंद करते थे? उनके 2 करीबी दोस्त थे, जिग्नेश आडवाणी और प्रफुल्ल राय। संजय मानकर के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी और उस शाम आप कहाँ थे जब उनका कत्ल हुआ? मैडम हम उस रात भाभी के लिए आइसक्रीम लेने गए थे, फिर उसके बाद संजय अपने घर चला गया और मैं अपने घर। आज सुबह हम मिलने ही वाले थे। क्यों? मैडम हमारा वो एक दोस्त है प्रफुल्ल, उसे अचानक क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ा, वो COVID-19 सस्पेक्ट था। आपको शक है किसी पर? जी बिल्कुल है, बल्कि शक नहीं यकीन है। बाला जोशी नाम का एक आदमी है, उसके अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। उसके और संजय के बीच में दुश्मनी थी। तुझ्यासाठी काय बनवले खाएगी ना? काय करतेस मनीषा? खाली तू काय करतेस मनीषा? अरे शंकर मैंने ये अंजलि के लिए बनाया है। वो अगर आज हमारे साथ होती तो पहली बार कुछ खाती, उसका अन्न प्राशन होता। ये ले मैं खिला देती हूँ उसको। नहीं सुनना खाएगी ना? वो नहीं अरे तिकेली चलेंगे। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा सर। सर आप चिंता मत कीजिए सर, पक्का सर 100%। जी सर। हाँ भाग भरे बोला सर। मनीषा का जहाँ पे रेप हुआ था वो सारा एरिया छान मारा लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई आई विटनेस। कुछ मिलेगा भी नहीं, कोई दम नहीं है उस केस में। सर हमें उस गाड़ी को ढूंढना चाहिए जिस गाड़ी के बारे में शंकर ने हमें बताया।
अरे तुम बूढ़े हो गए हो बूढ़े, कल को वो स्टिकर मैं अपनी गाड़ी पे चिपका दूंगा, तुम तो मेरे पे केस बना दोगे। पण साहब जाओ चाय के लिए बोलो। मैम बाला जोशी के पास कत्ल करने का स्ट्रांग मोटिव है मुझे ऐसा लगता है। वैसे मैंने पूछताछ की तो पता चला कि लॉकडाउन की वजह से वो घर पे ही था, घर से बाहर वो कहीं निकला ही नहीं। उसके कॉल रिकॉर्ड भी मैंने चेक किए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं निकला। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो बात कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद हमसे कुछ छिपा रहा था। और ये संजय? मैम संजय मानकर के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। जिस शाम उसका कत्ल हुआ उससे कुछ ही देर पहले उसने एक पर्टिकुलर नंबर पर दो बार फ़ोन किया था, लेकिन वो नंबर उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं था। मैंने खुद ट्राई किया, वो फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा। पर वे पता करो ये नंबर कहाँ से खरीदा है। जाहिर है इसी क्राइम के लिए ये नंबर खरीदा गया है। और ये बाला जोशी पे कड़ी नज़र रखो, खबरियों को एक्टिवेट करो। राइट मैम। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, बाला जोशी ने हमसे झूठ कहा था कि वो लॉकडाउन के दौरान घर पे ही था। तो फिर ये जाता कहाँ है? अपने खास दोस्त सुदामा गांव का रहता, दोनों मिलकर जम के रात को पार्टी करते हैं। सुना है सुदामा के घर पे दारू का बड़ा स्टॉक है। क्या उन दोनों ने उस रात भी पार्टी की थी जिस रात संजय मानकर का कत्ल हुआ था? जी मैम। या सुदामा गांव का लगे उन्हें जरा। बीपी तो नॉर्मल है, आप इन्हें घर ले जाना चाहते हो? डोंट वरी डॉक्टर, मैं और मेरी बहन माम का अच्छे से ख्याल रखेंगे। कैसा फील कर रहे हो माम? अरे तेरे रहते तो मैं हमेशा अच्छा फील करती हूँ, तू कितना ख्याल रखता है मेरा। और जिंदगी भर रखूंगा। अरे वाह, जिंदगी भर क्यों? मुझे क्या अपनी बहू से सेवा नहीं करवानी है? मैं कुछ नहीं जानती, बस अब तू शादी कर ले, समझा? माँ कर लूंगा, पर पहले छोटी की शादी होगी फिर मेरी, बाकी बातें घर चल के करते हैं, आराम से चलूंगा। साहब ये दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह कब से हो गया? दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह नहीं, लेकिन पुलिस से झूठ बोलना गुनाह जरूर है, और यही गुनाह बाला जोशी ने किया है। अब तू हमें बताएगा कि बाला जोशी ने हमसे झूठ क्यों कहा था, और तुम दोनों पार्टी करने के चक्कर में क्या प्लानिंग करते रहते हो? कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे साहब, हम तो सिर्फ दारू पीते हैं। पार्टी ना हम भी करते हैं, लेकिन हम ना पार्टी डंडों से करते हैं। बाला संजय मांगकर को मरवाना चाहता था साहब, उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किलर प्रकाश मानसेकर को सुपारी भी दी थी साहब। वो संजय मानकर बहुत खतरनाक और शातिर है, उसे भनक भी लग गई या वो बच गया तो हमें वो सीधा नर्क भेज देगा, इसलिए काम बहुत सावधानी से करना। सब में वो मेरा मोबाइल यूज करता था साहब, और ताकि उसके ऊपर कोई शक ना हो सर, इसलिए। सर नहीं मिला। मैम बाला जोशी फरार हो गया, उसका पूरा घर छान मारा हमने, लेकिन इधर कोई नहीं है। ताजा फोन ट्रैक करा, सबसे पूछताछ करो, उसके रिश्तेदार जानने पहचानने वाले सबसे पूछो। उसका इस तरह भाग जाना जाहिर करता है कि उसका संजय मानकर के कत्ल में हाथ है। कॉल करा एक मिनट। हेलो जी, हम अभी पहुंचते हैं। हाईवे पे एक लाश मिली है, तुम्हें डायरेक्ट इधर पहुंचा। बर्वे ये प्रकाश मानसेकर और बाला जोशी दोनों को लेकर आ। प्रकाश और बाला दोनों मुझे चाहिए किसी भी हालत। यस मैम। मैम मैंने हर जगह पूछताछ कर ली है, प्रकाश मानसेकर उसी दिन से गायब है जिस दिन संजय मानकर का कत्ल हुआ था, और बाला जोशी का भी कुछ पता नहीं चल पाया। इन दोनों को आसमान खा गया, धरती निगल गई। बाला जोशी के घर वालों पर तो हमने नजर रखी थी, प्रकाश मानसेकर के घर पे कौन कौन है?
उसकी वाइफ है मैम, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है। इसका मतलब है वो अपनी वाइफ से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश तो जरूर करेगा। वैसे उसके घर पर हमारी नज़र है और वाइफ के फ़ोन को भी हमने सर्वेलेंस पर डाल रखा है। आपको लगता है मैम कि दोनों केसेस में प्रकाश इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मैम। बाला जोशी वाले एंगल पे तो मैंने खबियों को काम पे लगा दिया है, लेकिन मुझे एक अलग ही डिस्प्यूट के बारे में पता था। कौन सा डिस्प्यूट? जिग्नेश अडवाणी का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का होटल है, उसी की ज़मीन पर जिग्नेश का किसी घनश्याम पुरोहित नाम के बहुत बड़े बिल्डर के साथ पिछले कुछ सालों से डिस्प्यूट चल रहा है। जिग्नेश अडवाणी के डिस्प्यूट के बारे में उसके घरवालों से पता लगाना है। यस मैम। क्या आप हमें जिग्नेश और पुरोहित के डिस्प्यूट के बारे में बता सकते हैं? क्या बताऊं मैडम। बाहर आ जल्दी। कहाँ कर बेटा, कहाँ छुप के बैठा है, जल्दी बोल। वो घर पे नहीं है, क्या काम है? उसे बोल दे उस ढाबे की जमीन अगर उसने मेरे हवाले नहीं की तो तू और तेरा परिवार साथ में ऊपर जाएगा। वो मेरे पति की आखिरी निशानी है। हम मर भी जाएंगे लेकिन वो जमीन नहीं देंगे। ये बात चलो ठीक है, हमने एक काम करते, तुम जिंदा ही रहो और जिंदगी भर इस बात का मलाल मनाती रहो कि तूने मेरी बात नहीं मानी। देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तो देख, आज तेरी बेटी को कुछ नहीं किया है, हाँ लेकिन कल कर भी सकते, और समझा देना तेरे बेटे को। चलो रे। मामू पुरोहित। क्या हुआ? उस पुरोहित ने किया? मैडम मुझे पता था कि मेरी फैमिली को उस जिग्नेश अडवाणी ने मारा था। ये बात मैं दुर्भाग्य से कोर्ट में साबित नहीं कर पा। तो तू कैसे बच गया? वो मैडम मुझे दूध से एलर्जी है ना, तो मैंने दूध नहीं पिया और मैं बच गया। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि तेरे फैमिली को जिग्नेश नहीं मारा है? हाँ मैं नहीं मारा है तेरी फैमिली, लेकिन अफसोस ये सब जानकर भी तू कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाएगा। और हाँ एक बात और कान खोल के सुन ले, हमारी जमीन के बारे में एक बार और सोचा ना तो तुझे भी तेरी फैमिली के पास पहुंचा दूं। बस उसके बाद मैंने उस जमीन को भुला दिया और वो प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया। नहीं जल्दी हार मान गया। अगर तेरे खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिला तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि अफसोस करने के लायक भी नहीं रहेगा तू। और एक बात याद रख, प्राइम सस्पेक्ट है तू हमारा। घनश्याम पुरोहित के बारे में कुछ पता चला? यस मैम, मैंने घनश्याम पुरोहित का बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया। टिपिकल बिजनेसमैन है वो, धंधा छोड़ के उसको और कुछ समझ में नहीं आता। कि इस खेत को सपोर्ट करने के लिए एक फैक्ट है कि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन प्रकाश का फोन लोकेशन क्राइम स्पॉट के नजदीक था, लेकिन फिर वो गायब है, उसका फोन भी ऑफ है, और जिसने उसकी सुपारी दी थी वो भी गायब है, बाला जोशी, और उसके पास तो मोटिव भी था। जिग्नेश से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ संजय मानकर को मारने का दिया था, तो ये जिग्नेश को किसने मारा? और मारने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, वही पैरों के निशान, सब कुछ उन्हीं दो लोगों के निशान। राइट, पर चलो मान लेते हैं कि एक प्रकाश है, तो फिर दूसरा कौन है? नहीं ये घनश्याम पुरोहित को क्लीन चिट नहीं दे सकते हम, उसने भी अपने पूरी फैमिली को खोया है, इतनी आसानी से तो चुप नहीं बैठेगा वो। कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ संजय मानकर को मारने का दिया था, तो ये जिग्नेश को किसने मारा? और मारने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, वही पैरों के निशान, सब कुछ उन्हीं दो लोगों के निशान। राइट, पर चलो मान लेते हैं कि एक प्रकाश है, तो फिर दूसरा कौन है? नहीं ये घनश्याम पुरोहित को क्लीन चिट नहीं दे सकते हम, उसने भी अपने पूरी फैमिली को खोया है, इतनी आसानी से तो चुप नहीं बैठेगा वो। और तुमने भी तो कहा था कि वो पक्का बिजनेसमैन है, तो हो सकता है उसने पूरे सोच समझ के साथ इन हत्याओं को अंजाम दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी के थ्रू ये सब करवाया हो। संजय को मारने के बाद प्रकाश को ही जिग्नेश की सुपारी दी, और हाँ ये जिग्नेश से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उसकी माँ, स्टाफ, एवरी पॉसिबल पर्सन,
सबकी जानकारी निकालो, एक को भी नहीं छोड़ना। मेरे ख्याल से इन दोनों केस से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा सिरा है जो हमारे हाथ जरूर आएगा, जो अब तक हमारे नजर से बाहर है। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, पुलिस के सामने एक के बाद एक कई कड़ियां खुल रही थी। पर अब भी पुलिस का सामना एक ऐसी घटना से होने वाला था जो उनकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन का रंग रूप ही बदल देगी। मैम, इस केस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड हाथ लगी है। बाला जोशी की बहन घनश्याम पुरोहित की सेकंड वाइफ है। एक और खास बात पता चली है मैम, गौतम पवार पिछले कुछ महीनों से इस बाला जोशी के कॉन्टेक्ट में था, यहाँ तक के मर्डर्स के बाद भी। और कमाल की बात तो यह है कि उसने कॉल करने के लिए अपने नहीं बल्कि अपने बीवी के फोन का इस्तेमाल किया ताकि हम उसे ट्रैक न कर सकें। इंटरेस्टिंग। बड़े गौतम पवार को उठा। और ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही पैरों के निशान। अरे, एक बात नोटिस की तुमने? ये मिट्टी यहाँ डाली गई है और फिर पैरों के निशान बनाए गए। यू राइट मैम, क्योंकि बारिश की वजह से आसपास की मिट्टी तो गीली है, लेकिन ये तो कॉन्क्रीट है। यहाँ पैरों के निशान देख के लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के यहाँ मिट्टी डाली है और फिर पैरों के निशान बनाए हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया जा सके। हमने प्लान के मुताबिक प्रकाश की बीवी रेशमा का फोन सर्विलेंस पर रखा था। कल रात को उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। हमने पता किया तो पता चला कि वो प्रकाश का ही नंबर है। प्रकाश के लोकेशन के बारे में भी हमें पता चल गया है। फिलहाल वो मालेगांव में कहीं रुका हुआ है। मालेगांव पुलिस से बात की तुमने? जी मैम। एक काम करो बर्वे, तुम खुद जाकर उसे अरेस्ट करो। ये केसेस सॉल्व होने के लिए उसका अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। राइट मैम। प्रकाश मंचेकर कहां तक भागेगा? नहीं सर, हमने नहीं मारा। संजय को मारने की सुपारी मैंने दी, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी दोनों के बारे में वाकई कुछ नहीं पता। मैंने संजय की सुपारी दी, इसको दी, पता ना आप बोलेगा? हाँ साहब, मैं मानता हूँ साहब कि मैंने भाव से संजय मानकर को मारने के लिए 500,000 की सुपारी ली थी साहब, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा साहब। आज शपथ मैं सच बोल रहा हूँ। गौतम भाव ने जब बाला भाव को संजय मानकर की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दी, मैंने नहीं मारा साहब। तो शहर छोड़ के क्यों भागा था? मैडम, मेरे मन में लालच आ गई थी। भाव से मुझको कुछ पैसे और लेने थे, मैं वो लेना चाहता था, इसलिए मैं भी उसी रात को यहाँ से भाग गया था। तू क्यों भागा था? मैं डर गया था मैम। मतलब जब आपने सुदामा को अरेस्ट किया तो मुझे पता चल ही गया था कि एक ना एक दिन आप मुझ तक पहुंच ही जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि संजय की सुपारी मैंने ही की है। जिग्नेश अडवाणी के कत्ल के बारे में क्या जानते हैं? जिग्नेश के कत्ल के बारे में तो कुछ नहीं जानता मैम, मैंने कुछ नहीं किया। ये पुरोहित तेरा रिश्तेदार है, बहनों ही है ना तेरा? हाँ बहनों ही तो है मैम, लेकिन वाकई मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसे क्यों मरवाऊं? गौतम तो मेरे लिए काम कर रहा था मैम, मैं क्यों मरवाऊं? आज शपथ मैम, मैं भी कुछ नहीं जानता। मैं तो तभी से मालेगांव में था मैडम, आप चाहे तो वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, मैं वही था मैडम, मैं कहीं नहीं गया मैडम। आज शपथ में सच बोल रहा हूँ मैडम। सर, मनीषा रेप के जो सस्पेक्ट हैं उनके स्केचेस रेडी हैं। अरे यार, तुम अभी तक उसी लेवल पे अटके हुए हो, इसीलिए तुम्हें अभी तक प्रमोशन नहीं मिला। तुम एक काम करो, ये फाइल लो, घर जाओ, आराम से केस सॉल्व करो। पन साहब। अरे क्या घर? हाँ सर, जय हिंद सर। हाँ पहुँचते हैं सर। ओके सर, नेताजी की ड्यूटी पे जाना है, इससे मिलता है प्रमोशन, ये तुम्हारे बेकार के रेप कैसे नहीं। चलो गाड़ी के लिए बोलो। अरे गाड़ी के लिए बोलो।
गौतम पवार के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उस दिन उसने भी एक नंबर पे दो बार बात की थी, जिसके बाद उसका भी कत्ल हो गया। और खास बात तो ये है कि मरने से आधे घंटे पहले ही उसने बात की थी महिला, इसका आज तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। मैंने भी वो नंबर ट्राई की थी मैम, स्विच ऑफ आ रहा है। ये नंबर हमारे लिए बहुत बड़ी लीड हो सकती है बर्गर। और किसी नंबर पे कांटेक्ट हुआ इस नंबर से? उस नंबर के अलावा उसने संजय के दोस्त प्रफुल राणे से भी बात की। पर ये संजय, जिग्नेश और प्रफुल तीनों गहरे दोस्त हैं। ये भी हो सकता है कि ये तीन कत्ल के बाद अभी कातिल चौथे कत्ल की फिराक में है। हो तो सकता है मैम, लेकिन कारण समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्यों करेगा? कारण कुछ तो बड़ा है बर्वे। नमस्कार मैडम, पीएसआई वाघमारे बोलते हैं, इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन। मैडम हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले केस आया था, एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ना कोई एविडेंस मिला ना ही कोई एविडेंस, लेकिन उन लोगों के स्केचेस हमने बनवाए हैं। पर मैडम उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए, और मैं पर्सनली हर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप स्केचेस देख के चेक कर सके कि इन सस्पेक्ट्स का आपके ज्यूरिसडिक्शन से कोई कनेक्शन है क्या? ओके, आप हमें स्केचेस भेज दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। बर्वे काम करा, ये तीनों दोस्तों के CDR मुझे चाहिए। जी मैम। और एक बात, क्या प्रफुल राणे क्वारंटाइन सेंटर से गायब है? कब से? सर आज शाम को ही मैंने दवा दी थी, उसके बाद मैं कब कहाँ गायब वो कुछ पता ही नहीं। मुझे आज पूरे दिन की CCTV फुटेज चाहिए, अभी इसी वक्त। बर्वे उस नंबर का पता करो जिस पर फोन किया गया है, और ये भी पता करो कि कौन सी नर्स उस वक्त ड्यूटी करती मैम। अरे महेंद्र ये पता करो कि ये प्रफुल की गाड़ी कौन लेके आ सकता है, कोई ड्राइवर या फिर कोई और? मैम कालपासून ड्यूटीवर गेलेली नाही आहे, वो ऍक्च्युअली मुझे फूड पॉइजन हो गया। घर का खाना खा के फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता? और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सारे होटल्स बंद है, आपने खाना कहाँ से मंगवा लिया था? बाहेरून मागवलं नव्हतं, वो मेरी पड़ोसन है ना मनीषा चव्हाण, उसने मुझे खाना दिया था और मैंने वही खाया था। उसने आपको खाना क्यों दिया था? सब वो मेरे बच्चों की आजकल बहुत देखभाल करती है और ती त्यांना जेवायला पण घालते, लेकिन मैं मेरा और मेरे पति का खाना घर पे आके बना देती हूँ। वो तो परसों मुझे देर हो गई थी, इसलिए मनीषा ने मुझे खाना दिया था। वो ये प्रफुल का ड्राइवर? प्रफुल कहाँ है? मालूम नहीं सर। मैम कमल, प्रफुल का फोन ट्रैक हुआ? यस मैम, उसकी लोकेशन इस वक्त देवलाली के पास में। कल रात में उसने अपने ड्राइवर को फोन भी किया था, जो रात के अंधेरे में क्वारंटीन सेंटर के बाहर प्रफुल की गाड़ी को छोड़ करके चला आया था। उसके ड्राइवर से एक बात और पता चली थी, उसने बताया कि प्रफुल का देवलाली में एक फार्म हाउस भी है। मनीषा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं था? मैडम बहुत बार पुलिस के दरवाजे पे खटखटाया मैडम, पर हमें न्याय नहीं मिला। हमारी उम्मीद ने जवाब दे दिया था मैडम, और इसलिए उन चारों राक्षसों को मारने के लिए हमें कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा। तुमने उन्हें पहचाना कैसे? जिस दिन उन राक्षसों में से एक राक्षस हमारी बस्ती में राशन बांटने आया, उस दिन मैं उसे पहचान गई।
वो संजय मानकर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। फिर मैंने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की। हमने पता करने की कोशिश की कि उस रात संजय के साथ और कौन कौन था। फिर हमने एक के बाद एक जिग्नेश और गौतम को मौत के घाट उतार दिया। उसको प्रफुल्ल बच गया, करना हमने तो उसे भी मारने का प्लान बना लिया था। मनीषा और शंकर, इतना अफसोस हो रहा है तुम्हें देखकर। एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो चुका है। विक्टिम्स क्रिमिनल बन रहे हैं और क्रिमिनल्स विक्टिम। अगर सब लोग इस तरह कानून हाथ में लेने लगे तो समाज का क्या होगा? अरे जानवरों से भी बदतर हो जाएगी जिंदगी हमारी। मैडम, वो बहुत बड़े लोग थे, उनके पास पैसा था, पावर था। हमें लगा कहीं वो इस चीज का इस्तेमाल करके इस केस को दबा ना दे। मैडम वैसे भी हम गरीबों की कौन सुनता है? कानून सबकी सुनता है मनीषा, और सबके लिए सेम होता है। जरूरत है उस पर विश्वास करने की। थोड़ी देर सबर होती लेकिन गुनेगार पकड़े जरूर जाते। वो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं थे, उन्हें भी अपराध का पछतावा हुआ होगा। यार कल रात जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो गया था, हम सब राक्षस बन गए थे। हाँ यार, हम सब राक्षस बन गए हैं। देख मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, बुरा सपना समझ के भूल जाते। क्या हम कभी इस ग्रिड से बाहर निकल पाएंगे? हर इंसान के अंदर एक राक्षस छिपा हुआ होता है जो हर पल बाहर आना चाहता है, लेकिन हमारी शिक्षा, हमारे संस्कारों की मदद से हम बचपन से उस राक्षस को अपने अंदर दबाए रखना सीखते हैं। पर हमारा गुस्सा और बदले की भावना हमारे अंदर दबे हुए राक्षस को बाहर आने के लिए प्रेरित करते हैं। संजय मानकर, जिग्नेश अडवाणी और प्रफुल्ल राणे, ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं थे, लेकिन उस रात नशे की हालत में उनके अंदर का राक्षस बाहर आ गया और वो एक घिनौना गुनाह कर बैठे। वैसे ही मनीषा और शंकर के अंदर दबी बदले की भावना ने उनके अंदर के राक्षस को हवा दे दी। ये राक्षस आपको जुर्म के ऐसे रास्ते पर लाकर छोड़ता है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।